नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरणों के माध्यम से अच्छे तरीके से हमने अध्ययन कर लिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप स्वर संधि के बारे में ज़रूर पढ़ लें, और उनका जो स्वर संधि के तीनों वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं आराम से। और फिर आगे एक दो दिन के बाद में संपूर्ण जो स्वर संधि है तीन वीडियोज़ है उसका एक मेजर वीडियो बना करके आपको अपलोड करवा दिया जाएगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? स्वर संधि में तो सिर्फ स्वरों का मेल होता था, लेकिन व्यंजन संधि में स्वरों के साथ व्यंजन का मेल होता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है? जैसे स्वर संधि में तो सिर्फ स्वरों का मेल होता था, स्वर संधि, इधर भी स्वर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर, तो जब इन दोनों का मेल होता था तो स्वर संधि कहलाती थी। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन होगा, इस कंडीशन व्यंजन संधि होगी। या फिर प्रथम शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होगा, इस कंडीशन में व्यंजन संधि होगी। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इधर स्वर होगा और इधर व्यंजन होगा, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, तब व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन के साथ अगर स्वर मिलता है तो व्यंजन संधि होती है, और स्वर के साथ अगर व्यंजन मिलता है तो भी स्वर संधि व्यंजन संधि होती है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में है वो व्यंजन संधि बनती है। तो इसमें कुछ नियम है तो उनके बारे में आज अध्ययन कर लेते हैं, और ये नियमों को पढ़ने के बाद में व्यंजन संधि आपके एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इसमें पहला नियम है जो घोष वर्ण का नियम माना जाता है, इसमें क च ट त प, यानी ये क्या है, वर्ग है, पांचों वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक। इसके साथ किसी भी स्वर के साथ, किसी भी स्वर तथा किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण, कौन सा, तीसरा और चौथा वर्ण, तथा अंतस्थ व्यंजन कौन से, य, र, ल और व, इनमें से किसी भी वर्ण के मेल पर ये क्या बन जाते हैं, अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाते हैं, जैसे क के स्थान पर ग बन जाएगा, च के स्थान पर ज बन जाएगा, ट के स्थान पर ड बन जाएगा, त के स्थान पर द बन जाएगा और प के स्थान पर ब बन जाएगा। अगर इन क वर्ग के साथ किसी भी स्वर, या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन में से किसी भी वर्ण के मेल होने पर यह क वर्ग है वो अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ग, या च वर्ग है वो अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, ये इसका नियम है। यदि स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा हालंत वर्ण में लग जाएंगी, यानी जो आधा वर्ण है उसमें लग जाएगी, किंतु जो व्यंजन होता है उसमें हालंत मेल होने पर वो हालंत हालंत ही रहता है, वो आधा आधा ही गिना जाता है, उसमें कोई वो नहीं जुड़ता है। जैसे इसमें जैसे दिगंबर है, ये इसका उदाहरण है, तो इसको हम करते हैं विच्छेद करते हैं, तो दिक धन अंबर, तो ये क्या है, क वर्ग है, और इधर क्या मिला है, स्वर मिला है। तो जब ये स्वर इस क वर्ग से मिल जाएगा तो ये जो क वर्ग है वो अपने ही वर्ग का तृतीय हो जाएगा, ये अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। तो इसका जब संधि युक्त बनाएंगे तो इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से बनेगा, दिगंबर, अब ये क्या है, ग है वो आधा है, ग आधा है, तो ये कह रहा है कि जब व्यंजन अगर आधा हो या हलंत युक्त जो वर्ण होता है वो स्वर के साथ में मिल जाता है, किस में मिल जाता है, स्वर के साथ में मिल जाता है, तो ये ग है वो पूरा हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका स्वरूप है वो लिखा जाएगा, दिगंबर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे वागीश है, तो वाक धन ईश,
वाक धन ईस, ये क वर्ग है और इधर ये स्वर है, तो इनके मेल से क्या हो जाएगा, ये क इस किस में बदल जाएगा अपने ही वर्ग का तृतीय बन जाएगा। इसके अलावा सडानन है तो सट धन आनन, सट धन आनन, तो ये ट बन जाएगा ड में, सडानन हो गया। उद्गाटन है उत धन घाटन, तो ये त किस में बन जाएगा, द में बदल जाएगा। इधर घ आ रहा है, इधर घ आ रहा है मतलब तृतीय वर्ग आ रहा है, तृतीय वर्ण आ रहा है, तो ये क्या त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। बदलना जो प्रथम वर्ण का दो अंतिम, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसके अनुसार बदला जाता है। अब्ज है तो अब्ज का क्या होगा, अप धन ज, अप धन ज, ये क्या प किस में बदल जाएगा, प फ ब, ब में बदल जाएगा। तो ये प आधा है तो ब भी आधा ही होगा, तो जब संधि युक्त बनाएंगे तो अब्ज बन जाएगा। तो ये होगा इसका घोष नियम का, घोष जो नियम है इसका एक उदाहरण होगा। इसमें क्या होता है 500 जो वर्ग होते हैं कचट तप, कचट तप के साथ में अगर स्वर मिल जाए, स्वर के साथ में अगर प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण मिल जाए, और इसके अलावा अगर य र ल और व अर्थात अंतस्थ वर्ण मिल जाए, तो ये जो क वर्ग है, ये जो मिलने वाला जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा। क गम बदल जाएगा, स ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, और प ब में बदल जाएगा, त ध में बदल जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मिलने वाले कौन से हो, स्वर हो, तीसरा चौथा हो, और यर अलग हो, अंतस्थ व्यंजन हो, ठीक है। अगला नियम कहता है कि कचट तप के साथ कचट तप जो पांचों वर्ग है, जब ये कचट तप ऐसे आ जाए तो इसमें ये पीछे कुछ नहीं बचता है, ये वर्ग पूरा आ जाता है। जैसे कचट तप आ गया तो इसमें क वर्ग पूरा आ गया, च वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा, त वर्ग पूरा, और प वर्ग पूरा। तो इसके साथ में किसी भी नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण अंगे इय अण न और म, अगर इन पांचों के मेल पर अगर मेल होता है तो ये अपने ही वर्ग का क्या हो जाएंगे, पंचम वर्ण हो जाएंगे। अगर क वर्ग के साथ, च वर्ग के साथ, इन सारों के साथ में अगर कहीं भी मिलने वाला जो वर्ण है वो ये इनमें से कोई एक हो, तो ये जो है वो अपने ही वर्ग, अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएंगे, पंचम में बदल जाएंगे। किस तरीके से होंगे देखें, जैसे दिनाक है तो दिनाक का संधि युक्त करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो दिक धन नाग होगा, नाग होगा, दिक धन नाग, दिनाक हो जाए। अब इसको हम जैसे संधि युक्त बनाएंगे तो ये क वर्ग है वो सामने किससे संधि हो रही है, इसकी जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है, न है, तो इनमें से ये आ रहा है, इसलिए यह क वर्ग किससे मिल जाए, किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बदल जाएगा, इंगे में बदल जाएगा। तो इसका अगर हम संधि सीधा शुद्ध रूप लिखें तो इसका ये कुछ रूप होगा, दिंग और ना क, ये इसका शुद्ध रूप होगा दिनाक का। और जगतनाथ है, जगन्नाथ है तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी संधि होगी, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। त वर्ग है, त वर्ग के साथ क्या मिल गया, न, तो ये अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा, पंचम वर्ण बदल जाएगा, तो ये त का इसमें न हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्वरूप बनेगा, जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। उन्मूलन, उत धन मूलन, उत धन मूलन, उत धन मूलन, तो त वर्ग किस में बदल जाएगा, न में, त वर्ग न में बदल जाएगा। तो इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से होगा, उन मूल न, उन्नति है, जैसे उन्नति है तो उन उत धन नति, उत धन नति, तो त वर्ग किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि कचट तप के साथ में कोई भी नासिकीय वर्ण मिल जाता है तो ये कचट तप जो है अर्थात जो क वर्ग, त वर्ग, वर्ग जितने वो जो वर्ग है पांचों वर्ग, इन मिलने वाले जो वर्ग है ये अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाएंगे, बस बशर्ते सामने ये पंचम वर्ण ही हो। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण अगर किसी वर्ग से मिल जाते हैं, किसी वर्ग के व्यंजन से मिल जाते हैं, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम बन जाते हैं। ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है हमें। नियम नंबर 3 कहता है कि म के साथ, ये अब म का नियम है,
म के साथ क से म अर्थात स्पर्शीय व्यंजन, क से म तक के किसी भी वर्ण के मेल पर म के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिके बन जाएगा। आजकल जो नासिके वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार भी मान्य होता है। ये कह रहा है म के साथ में मिलने वाला किसके साथ मिलेगा, म के साथ मिलेगा। म अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा म, और उसके साथ में मिलने वाला क से म अर्थात स्पर्शी व्यंजन हो कौन से, सारे हो जो 25 के 25 है, इनके साथ में म के साथ अगर ये सारे अगर मिल जाते हैं तो वो क्या करेंगे, म के स्थान पर वो अपने ही वर्ण का नासिके बन जाएगा, जिस तरीके से ये हमने ऊपर देख लिया है। इसमें क्या होगा, जैसे संघर्ष है तो सम धन घर्ष, संघर्ष है तो ये म के साथ में ये चतुर्थ वर्ण मिल रहा है, तो म का क्या हो जाएगा, ये इसी वर्ग का क्या बदल जाएगा, नासिके वर्ण बन जाएगा, इस वर्ण का नासिके बन जाएगा। जैसे संकल्प है तो सम धन कल्प, तो जब म के साथ में अगर ये कोई भी क से म तक का वर्ण मेल होता है तो ये म के स्थान पर क्या बन जाएगा, इस वर्ग का पंचम बन जाएगा, इस वर्ग का पंचम बन जाएगा, जैसे ये हो जाएगा इंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे संग क अल्प, ये इसका स्वरूप भी सही है। संचय संगम है, समधन गम, समधन चय, समधन जीवन, किंचन किम धन चन, समधन तोष संतोष है, जैसे समधन तोष, समधन तोष। तो ये त वर्ग है, तो त वर्ग जैसे म म के साथ में मिलता है तो ये त किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग का पंचम बन जाएगा, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सं तो श, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो ये पंचम वर्ण होता है, इस पंचम वर्ण की जगह क्या होता है, नासिके वर्ण के स्थान पर अनुस्वार है वो मान्य हो गया है, तो इसलिए ज़्यादातर है वो इसका अनुस्वार में प्रयुक्त होता है। लेकिन इसको अगर इस तरीके से इस नियम के अनुसार देखें तो ये ज़्यादा शुद्ध होगा, न वाला पंचम वर्ण में बदलना ज़्यादा शुद्ध होगा। संपूर्ण है, समधन पूर्ण, तो संपूर्ण है जैसे समधन पूर्ण, तो इधर प वर्ग मिल गया और इधर म है, तो म के साथ में अगर ये प वर्ग मिल गया तो ये प वर्ग अपने ही वर्ग का पंचम बन जाएगा, प फ ब म ब भ म, तो ये इसमें ऐसे बन जाए, तो ये इसका स्वरूप इस तरीके से कुछ बनेगा संपूर्ण। इसमें कुछ अपवाद के शब्द भी है, जैसे संस्कृत है समधनकृत, तो इसमें मेल करने से ये नहीं होता, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि म के साथ में क वर्ग मिल रहा है, क वर्ग मिल रहा है, क मिल रहा है, क मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें है वो ये संधि का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए अपवाद की श्रेणी में रखे जाते हैं। संस्कृत है, संस्कार है, संस्करण है, संस्कृति है, ये सारे शब्द अपवाद के हैं, ठीक है। उसके बाद में नियम नंबर 4 कहता है कि म के साथ में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो यर ल व होते हैं और श श स है, इनके मेल से म के स्थान पर, म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा, यानी उनमें तो जो पहले हमने वर्ण पढ़ लिया था उसमें तो जो म है, म के साथ अगर क से म तक कोई भी वर्ण मिलता है तो वो अपने ही वर्ग का पंचम बन जाता है और उसमें अनुस्वार भी लग सकता है, वहाँ अनुस्वार कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ जो है म के साथ में अगर अंतस्थ व्यंजन लगते हैं और इसके साथ साथ जो ये श श स ह ये अगर मिल जाते हैं तो ये क्या होता है कि ये म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा, उसमें फिर ये नहीं लगेगा, कोई पंचम वर्ण नहीं है क्योंकि इसमें कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, तो जिनमें पंचम वर्ण होता है वो पंचम वर्ण लगेंगे और उसके अलावा जो श श स ह होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनमें क्या होता है, म के साथ में हमेशा अनुस्वार ही लगेगा। जैसे संयोग है तो समधन योग, समधन योग, तो ये म वर्ग है, सॉरी ये म है, म वर्ण है और इधर ये अंतस्थ व्यंजन है, तो जब ये मिलता है तो ये म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, तो इसका कुछ इस तरीके से स्वरूप होगा संयोग, संयोग। संरचना है तो समधन रचना, समधन रचना।
अनुस्वार किस परिस्थिति में बनता है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि म के साथ में अगर अंतस्थ व्यंजन मिल जाए और इसके साथ साथ अगर श स स और ह ये चारों मिल जाए तब म का अनुस्वार बन जाएगा, और क से म तक अगर म के साथ मिलते हैं तो वो उसी वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है। अनुस्वार किस परिस्थिति में बनता है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। संवत समधन वत संशय शमधन क्षय सहार समधन हार संविधान संबधन विधान। ठीक है, नियम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नियम नंबर 5 कहता है कि पांच और छह नियम पढ़ लेते हैं, फिर आगे वाले वीडियो में कल पढ़ेंगे। नियम नंबर 5 कहता है कि त या द के साथ च या छ के मेल पर, त या द के साथ च या छ के मेल पर त या द के स्थान पर च बन जाता है। यानी त या द के साथ में अगर च या छ मिलते हैं तो इनमें त या द के स्थान पर क्या बन जाएगा, सिर्फ च बन जाएगा। जैसे उच्चारण है तो उत धन चारण, उत धन चारण, तो ये त है, त के साथ में क्या मिल रहा है, च मिल रहा है, तो ये त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। बस तो इसका हो जाएगा कुछ इस तरीके से उच्चारण, उच्चारण इस तरीके से कुछ आगे हैं। जैसे शरत चंद्र है तो इसका हो जाएगा शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र, त त के साथ में च मिल गया तो त क्या मिल जाएगा, च में बदल जाएगा। उच्चिन्ह है तो उत धन छिन्न, बस च भी होना चाहिए इधर और छ भी होना चाहिए, तो जब च और छ त के साथ मिल जाते हैं तो ये त किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। उत्तधन छिन्न उच्छेद, उत्तधन छेद, उत्तधन छेद, तो त किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, तो छ में बदलेगा तो ये बन जाएगा इसका स्वरूप उच्छेद। नियम नंबर 6 कहता है कि त या द के साथ में, त या द के साथ में ज या झ मिलते हैं तो त या द के स्थान पर ज बन जाएगा, त या द के साथ में च छ मिलते हैं तब तो त द का च बन जाता है, और त या द के साथ में ज या झ मिलता है तो त द का क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा, ज बन जाएगा। जैसे सज्जन है तो सज्जन का सत धन जन, सत धन जन, तो त का क्या हो जाएगा, जब संधि युक्त बनाएंगे तो त का ज बन जाएगा, तो ज आधा है क्योंकि त भी आधा बने, ते आधा है इसलिए ज भी आधा होगा, तो ये इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से बनेगा सज्जन। ठीक है, इसके अलावा उज्ज्वल है तो उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, तो त त वर्ग का किस में बन जाएगा, ज में बन जाएगा, क्योंकि मिलने वाला वर्ण है वो ज है। महत झंकार, महत धन झंकार, इधर सामने मिल रहा है ज और इधर त है तो त और झ मिलते हैं तो ज बन जाते हैं, महत झंकार। तो आज आपने नियम 5 और 6 अर्थात नियम 1 से 6 नियम तक हमने आज है वो बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम 6 से 7 से 15 जो नियम हैं, 14-15 नियम जो है बनते हैं वो सारे पढ़ लेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कल है वो अब संधि जो व्यंजन संधि है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।